हरियाणा के सिर्फ एक सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। हरियाणा में पहली बार केजरीवाल की पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए आपने पूरा जोर लगा दिया है। यही वजह है कि रविवार को हरियाणा में आपके टॉप नेताओं का जमावड़ा लग गया है। 4 अगस्त को आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने हरियाणा में धुआंधार 7 रैलियां कर हुंकार भरी। मंच से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और राज्यसभा सांसद संजय सिंह चुनावी रैलियों में शामिल हुए। तीनों ही नेताओं ने अपने अपने अंदाज में केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी तीर चलाई। आप नेता सुनीता केजरीवाल ने सुहना और फरीदाबाद में हुंकार भरते हुए कहा कि मोदी जी अरविंद केजरीवाल से चलते हैं, इसीलिए उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया, पर इस बार हरियाणा अपने लाल का साथ देगा, आप सुनिश्चित करें कि एक भी वोट भाजपा को ना जाए। अस्पताल, बिजली, शिक्षा, ये सब काम उनसे नहीं होते, इसी वजह से उनके ये सब काम रोकने के लिए उन्होंने फर्जी केस बनाया और आपके बेटे को जेल में डाल दिया। कहते हैं केजरीवाल चोर है, मैं कहती हूं मोदी जी अगर केजरीवाल जी चोर हैं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी को एक वोट नहीं जाना चाहिए। आप सांसद संजय सिंह ने महेंद्रगढ़ और रोहतक में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए लोगों से वोट की भावुक अपील की। कहा, जब आप वोट देने जाए अपने किसान भाइयों की शहादत को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आपके साथ जो जुल्म और जाती हुई। इसी गुड़गांव के बॉर्डर पे, गाजीपुर के बॉर्डर पे, बहादुरगढ़ के बॉर्डर पे, नरेला के बॉर्डर पे लाठियां चलाई गई किसानों के ऊपर, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, अन्नदाताओं को अपमानित किया गया। 750 किसानों ने काले कानून के खिलाफ मेरे भाइयों और दोस्तों अपनी शहादत दी है। मैं हरियाणा के लोगों आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उन 750 किसान भाइयों की शहादत को याद करके जाना और बीजेपी की जमानत जब्त करा के आना। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का सफाया करने के लिए हरियाणा में 15 दिनों के अंदर 45 बड़ी रैलियों का ऐलान किया था। इन रैलियों को बदलाव जनसभा नाम दिया गया है, जिसके पोस्टर में बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। वहीं आपकी रैलियों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है वो यही बताने के लिए काफी है कि हरियाणा के लाल को वहाँ की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। Oh, 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 o